जानिए अपने अधिकार। मैं जॉनी राग आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब हम खुश होते हैं और मौज मस्ती कर रहे होते हैं कि हमारी नजर एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल पे पड़ती है जिसके अंदर एक प्लास्टिक का टुकड़ा तैर रहा होता है, उस समय हम क्या करते हैं? एक गरीब अपने सपनों के साथ पाई पाई जमा कर एक फ्रिज खरीदता है और कुछ ही दिनों के बाद सर्विस सेंटर के बार बार चक्कर लगाने के बावजूद उसके कष्टों का निवारण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? जब आपके परिवार के कोई ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाए जिसके ऊपर आपका पूरा परिवार निर्भर करता है, ऐसी स्थिति में आपके पास उनके द्वारा किए गए इंश्योरेंस के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है और आपके बार बार इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर लगाने के बावजूद आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाता है, साथ साथ आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज का यह हमारा एपिसोड इसी तरह की कई घटनाओं पर आधारित है जिसके उपाय के नाम पे आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आज हमारे बीच ऐसे कई हैं जो ऐसी समस्याओं को अधूरी जानकारी होने के कारण झेल रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसकी जानकारी जो है विभाग के द्वारा लोगों को नहीं दी जाती है, जिसके कारण है कि लोग इसको नहीं जान पाते हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा जो है प्रचार प्रसार की आवश्यकता, जिस कारण कि आम लोगों को इसकी जानकारी हो सके और अपने अधिकार का उपयोग कर सके। उपभोक्ता अधिनियम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बहुत भ्रांति है इसमें। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो लागू हो चुका है मगर इस पर अमल बहुत कम ही किया जाता है और ये ज़्यादा लाइट में नहीं आया है। वैसे पूर्ण रूप में तो मुझे जानकारी नहीं है और शायद मुझे लगता है कि पब्लिकों में भी यही चीज़ व्याप्त है। वैसे सरकार द्वारा चलाई गई ये जनहित में जारी किया गया था, ये बहुत ही अच्छी नियम है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। बस बात यही है कि लोग को जानकारी के अभाव में इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, चूँकि ये है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर किसी तरह के सामान में ही जैसे लोग खरीदते हैं और उनको अगर उनके प्रतिकूल अगर अच्छी तरह से उनको उपभोग नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए सरकारी अधिनियम बनाई है जिसको हम उपभोक्ता संरक्षण नियम कहते हैं। लेकिन वैसे मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, हमें कुछ मालूम नहीं है उस सब के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में हमको पूरी जानकारी तो है नहीं, लेकिन ये एक अधिनियम है इसके लोग फायदा उठा सकते हैं। ये तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, विशेष मुझे उतना पता नहीं है तो, पर भी ये एक एक्ट बहुत अच्छी एक्ट है। इस एक्ट के तहत हर पब्लिक हर कंज्यूमर के बारे में केस लेके कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। हर सामान का हर प्रिंट होना चाहिए सामान में, उस प्रिंट के आधार पर और उस एक्सपायरी डेट के आधार पर हर सामान को देख के समझ के परख के तब खरीदना चाहिए। बस यही इतना सब जानते हैं। और इस नियम के बारे में हम सुने हैं लेकिन मुझे उतनी जानकारी नहीं है। अगर आपके साथ या आपके आसपास ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप चुप ना बैठें, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हमारे संविधान में इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस से बचने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं जो आपके अधिकार की रक्षा करता है। आइए जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या और उपभोक्ता कैसे अपने शिकायतों को उपभोक्ता फोरम में दर्ज करवा सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी दुनिया में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धाओं की होड़ बढ़ी, फलस्वरूप उपभोक्ताओं का शोषण होने लगा। उपभोक्ताओं में असंतोष की लहर उठी और 15 मार्च 1962 ईस्वी में रल्फ नाडेल द्वारा अमेरिका में उपभोक्ताओं के हित के लिए पहला कानून लागू हुआ। जहां तक भारत का प्रश्न है, 1966 ईस्वी में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पे 9 दिसंबर 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसके अंतर्गत दोषी को धारा 27 और धारा 25 के अंतर्गत दंड, कुर्की जब्ती, कारावास का भी प्रावधान है। आप अपने शिकायत को
स्वयं सादे कागज में लिखित रूप से या अपने लीगल एडवाइजर के द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं। इस विषय पे हमने यहाँ के लीगल एडवाइजर से बात की, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कंज्यूमर या उपभोक्ता, वो कोई भी सामान जो खरीदते हैं उस सामान को जब भी वो खरीदते हैं, चाहे छोटा सा चीज हो, कोई भी कंपनी का हो या बड़ा चीज हो, तो उसको जांच पड़ताल करके लेना चाहिए। जैसे कि वो छोटा सा एक मोबाइल भी खरीद रहा है, तो उस मोबाइल का कौन कंपनी का है, उसका पेपर्स, वो सब कुछ उसको जांच पड़ताल करके सही ढंग से लेना चाहिए। और वो जब उसको खरीदता है और उसमें अगर कोई भी शिकायत आता है, जैसे कि मोबाइल का पार्ट्स को देखा, पता चलता है कि मोबाइल ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसके बाद वो सर्विस सेंटर में गया तो देखा कि उसमें पार्ट्स जो है दूसरे कंपनी का है, ऊपर में कोई और कंपनी का नाम लिखा हुआ है, अंदर में कुछ और भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए भी वो उपभोक्ता फॉर्म में जा सकता है, उस कंपनी में जहाँ से वो लिया है मोबाइल उसके अगेंस्ट वो केस कर सकता है। वो अपना जो भी वादा किया है, जो लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन, वो पूरा फुलफिल करने का कंपनी का अधिकार है। और अगर कंज्यूमर का उस पर कोई भी शिकायत आया और केस किया उसके बदौलत तो उसको पूरा मुआवजा देने के लिए वो बाध्यकारिता है कंपनी का, चाहे वो गाड़ी खरीदता है या गाड़ी का भी कोई भी सामान अगर सही ढंग से सब कुछ है। एक तो कोई भी कंज्यूमर जब खरीदता है उसको अच्छा से देख के लेना चाहिए कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो सही ढंग से है, सही कंपनी का है, जो हमको वादा करके दे रहा है कंपनी वो भी उसका सही है, वो हर कंज्यूमर को देख के लेना है। और अगर उसमें कोई भी चीज़ का कमी होता है या कोई भी प्रॉब्लम शिकायत आता है, तो उसके लिए वो कंज्यूमर कोर्ट खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति के लिए वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। कोई भी फूड प्रोडक्ट हो गया जो लेबल बंद डिब्बा में आता है, उसमें भी बहुत सारा कंडीशन लिखा रहता है, जैसे ISI कंपनी का हो गया या फिर कोई भी कंपनी फूड जो है उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये जब फूड के इस डिब्बा के अंदर ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ मिनरल वगैरह सब कुछ है। अगर वो जो लिखा हुआ है अगर कोई भी कंज्यूमर चाहे तो उसको टेस्ट भी कर सकता है, उसके लिए सामान्य कुछ भी पैसा लगता है। वो अगर वो टेस्ट करके ये देखता है कि वो जो वादा किया है उसमें कोई भी चीज़ का कमी है, तो उसके लिए भी वो कंज्यूमर कोर्ट में उस कंपनी के अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो छोटा सा चीज़ लेके बड़ा सा चीज़ कोई भी अगर हम लोग कंज्यूमर खरीदते हैं तो उसके लिए उसको बहुत जरूरी है कि वो जब खरीदे उसको सही ढंग से ले, देखे, पड़ताल करे और अवश्य उसको गारंटी कार्ड ले और उसके लिए वो अपना सही चीज़ लेके देख के ही ले। और उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि हम नहीं जा सकते हैं कोर्ट में। कोई भी सामान, साइकिल हो, गाड़ी हो, टीवी हो, एक्सेट्रा है, एवरीथिंग जो हम लोग कोई भी दुकान से या शोरूम से खरीदते हैं और उसमें कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम आता है तो कंज्यूमर कोर्ट में हम लोग आराम से जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर के लिए है, जो भी कंज्यूमर का प्रॉब्लम है वो कंज्यूमर कोर्ट में आ सकता है। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए आवश्यक तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, शिकायतकर्ता का नाम, परिचय और पता होना आवश्यक है। दूसरा, जिसके विरुद्ध शिकायत की जानी है उसका नाम, परिचय और पता का होना। तीसरा, शिकायत के बारे में समय सहित सभी तथ्यों का जिक्र होना चाहिए। और चौथा यह कि शिकायतकर्ता क्या राहत चाहता है। कंज्यूमर जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जाएंगे कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो जब कोई सामान खरीदते हैं उसके साथ वो अपना पक्का रसीद, जितना पैसा का सामान हम ले रहे हैं तो वो पक्का रसीद लेना बहुत जरूरी है। रसीद में विशेष करके नाम, पता और पैसा, जिस प्राइस आप का सामान खरीद रहे हैं वो साफ सुथरा अक्षर में लिखा होना चाहिए, आता पता सब कुछ। और उसके साथ भी गारंटी पेपर बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, तो गारंटी पेपर लेना भी नहीं भूले। वो अवश्य कोई भी सामान खरीदता है तो गारंटी पेपर अवश्य ले। और वो जब कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा तो उसके समय ईर पक्का रसीद का कॉपी, गारंटी कार्ड का भी कॉपी और जरूरी जो दस्तावेज होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है कंज्यूमर कोर्ट में किसी भी सामान के अगेंस्ट में केस फाइल करने के लिए या शिकायत करने के लिए। मुकदमा दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2004 के तहत जो कोर्ट फीस देना होता है वो है
₹1,00,000 तक के दावे के लिए ₹100, ₹1,00,000 से ₹5,00,000 तक के लिए ₹200, ₹5 से ₹10,00,000 तक के लिए ₹400 और ₹10 से ₹20,00,000 तक के हजाने के लिए ₹500। कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी शिकायत जो करते हैं या केस करते हैं तो वो प्राय 6 महीना के आसपास लग जाता है। कभी कभी ये भी होता है, लेंदी भी हो जाता है अगर मैटर बड़ा होता है, और कभी कभी कंज्यूमर भी थोड़ा सा केस करने के बाद या शिकायत करने के बाद आपने भी लेजी हो जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कोर्ट में केस किए और अगेंस्ट पार्टी को भी जो प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद भी, तो ध्यान रखना चाहिए कि हम कोर्ट में जाए और अच्छा से उसको देखभाल करें कि हम केस किए तो उसका जल्दी से जल्दी निष्पादन हो जाए, तो मोटा मोटी 6 महीना तक के अंदर निष्पादन हो जाता है। यदि क्लेम की राशि 20,00,000 से कम है तो जिला फोरम में शिकायत कर सकते हैं। यदि क्लेम की राशि 20,00,000 से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष शिकायत करें, और यदि क्लेम की राशि 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत किया जा सकता है। बहुत सारे प्रावधान रहते हुए भी कंज्यूमर अपना अधिकार के बारे में नहीं भी जानता है, डरता भी है कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए। इसके बहुत सारे कारण हैं, तो बेसिकली जो कारण मुझे लगता है कि उसमें जानकारी का बहुत ज़्यादा कमी है। कंज्यूमर ये सोचते हैं कि कोई भी हमारा प्रॉब्लम आ गया है और हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, कंज्यूमर के साथ एक कोर्ट भी वार्ड लगा हुआ है, तो ये सोचते हैं कि कोर्ट मतलब बहुत दावपेच में हम फंस जाएंगे, फिर पैसा भी बहुत खर्चा होगा और बहुत लेंदी समय भी लग जाएगा, इसीलिए जो मेरा लॉस हुआ उसको लेके वो चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन ये जो बात है, ये जो डर है, डर के कारण कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाता है, तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि हर कंज्यूमर जो है आज पढ़े लिखे हैं और शिक्षित हो रहा है समाज, तो हर व्यक्ति को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो अपना अंदर की जो ये नॉलेज का कमी है इसको बढ़ाए जाने। और एक बात उन सब के लिए बोलना चाहते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जो है वो कंज्यूमर के लिए है, उपभोक्ता के लिए है, तो इसमें ऐसा कोई भी बात का नहीं है, और वो अपना छोटा हो या बड़ा समस्या लेके शिकायत को लेके केस करे, शिकायत करे, और उसमें बहुत ज़्यादा फीस का कमी जरूरत नहीं पड़ता है, लॉयर का भी जरूरत नहीं पड़ता है। बेसिकली वो लोग सोचता है कि कोर्ट में जाएंगे तो लॉयर का फीस देना पड़ेगा, फिर बहुत समय चला जाएगा मेरा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ये सोच के नहीं आते हैं। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए लॉयर का आवश्यकता नहीं है, वो कोई एजेंट के द्वारा भी वो शिकायत कर सकता है। उस एजेंट का बशर्ते नाम पता सब कुछ होना चाहिए, अगर बड़ा कोई कंपनी हो या बहुत बड़ा बिजी व्यक्ति कोई है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है कंज्यूमर कोर्ट में अपना क्षतिपूर्ति लेने के लिए, मुआवजा लेने के लिए, अपना शिकायत को दर्ज कराने के लिए। और इसके लिए डरने का कोई बात नहीं है, और नहीं बहुत ज़्यादा समय लगता है, और वो अगर केस करे और अपना मुआवजा अपना क्षतिपूर्ति लेना चाहता है तो मैक्सिमम 6 महीना तक ही वो डिस्पोजल हो सकता है। और इसके बशर्ते थोड़ा सा कोर्ट में अलर्ट होना चाहिए, पब्लिक को इसके लिए अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग DLSA के लिए काम करते हैं तो उसमें जैसे हर जगह में जाके इसका अवेयरनेस के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट का भी ये होना बहुत जरूरी है कि पब्लिक इसके बारे में अच्छा से जाने, वो डरे नहीं। और वो कंज्यूमर कोर्ट मतलब कंज्यूमर के लिए है, तो इसके लिए बहुत डरने की बात नहीं है, आसानी से ये प्रॉब्लम का समस्या हो सकता है। चाहे कोई सामान का जो वो खरीदने के बाद वो लॉस में जाते हैं, लॉस हो जाता है, तो उसके बारे में वो उसको सोचना चाहिए कि अगर वो इसको अनदेखा कर देगा तो उसके साथ साथ मान लीजिए कि जान पहचान और भी जो है वो भी उससे उसी तरह उस मुआवजा से दूर रह सकता है। इसीलिए हर कंज्यूमर को ये सोचना चाहिए ध्यान से कि नहीं, हम कंज्यूमर कोर्ट में जाए और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको शिकायत दे और अपना मुआवजा ले, जो भी क्षतिपूर्ति हो उसको दे, ताकि हर प्रोडक्ट बेचने वाला भी सोचे, कंपनी भी सोचे ना,
का उपभोक्ता जो है वो बहुत जागरूक है, हम उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हर उपभोक्ता को इसके बारे में डरने का कोई जरूरत नहीं, सबके लिए वेलकम है और आसानी से अपना चीज को समाधान वो पा सकते हैं और अपना जो भी क्षतिपूर्ति हुआ वो भी आसानी से उसको मिल भी सकता है। इसके लिए कोई हरासमेंट का बात ही नहीं आता है। ये सारे नियम कानून और प्रावधान हमारे संविधान में इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम इसे समझ सकें और आवाज उठा सकें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसी उत्पाद एवं सेवाएं जिसके कारण लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ता है, परेशानियां झेलनी पड़ती है, इस नियम के तहत दोषी हैं। साथ ही जनता को इस कानून के तहत ऐसी समस्याओं से दूर रहने में मदद मिलती है। अपील और प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील करें, राज्य आयोग के फैसले के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में और राष्ट्रीय आयोग के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दर्शकों, आज हमारे बीच ऐसे कई माध्यम हैं जिसके द्वारा झूठे विज्ञापनों को आधार बनाकर कुछ कंपनियों में शोषण करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कभी कभी तो असंभव बातों की गारंटी की जाती है जो शायद ही कभी पूरी हो। हाल ही में ऐसे कई मामले पाए गए हैं जिसमें ऑर्डर करने पे भारी मूल्य कर खाली डब्बे भेज दिए जाते हैं। अगर उत्पाद मिले भी तो उसके गुणवत्ता में वो बात नहीं होती है जिसके लिए उत्पाद मंगाया गया हो। आज के आर्थिक युग में जरूरत है ज्यादा अर्थ प्राप्त करने की और उसे बचाने की, लेकिन सही तरीके से। यह तभी हो सकता है जब आप जागरूक हो, ऐसे विज्ञापनों से दूर रहें, उपभोग की वस्तु या सेवाएं जांच परख कर लें और जरूरत पड़ने पर कंज्यूमर राइट का सहारा लें। निश्चित रूप से यहां आपकी सहायता की जाएगी। जानिए अपने अधिकार। हम और भी कुछ प्रावधानों पर गौर करेंगे और आपके लिए कानूनी सलाह उपलब्ध कराएंगे। मैं जॉनी राग आप तमाम दर्शकों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल आरवीज़।